अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान फ़ियाज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। नाज़रीन, हाज़िर हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में एक और मेडिसिन से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसका नाम मल्टीबायोटाइम है। ये मार्टिंडो फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक प्रोडक्ट है। आज की वीडियो में इस मेडिसिन से रिलेटेड डिस्कस करूँगा कि इस मेडिसिन को आप किस पर्पज़ तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी डोजेज क्या हैं और इसकी यूजेज क्या हैं और किस पर्पज़ तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन की कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें मौजूद मल्टीविटामिंस और मिनरल्स इसमें शामिल हैं। विटामिंस में इसमें विटामिन B1, B2, B6, विटामिन B12 और विटामिन C इसमें शामिल है। उसके अलावा जो मिनरल्स प्लस इसमें शामिल हैं उसमें मैग्नीशियम इसमें शामिल है, पोटाशियम, कॉपर और जिंक इसमें शामिल है। उसके साथ विटामिन ई इसमें शामिल है, विटामिन डी, फोलिक एसिड, नॉक्टामाइड और विटामिन ई इसमें शामिल है। ये तमाम तर विटामिन्स जो कि एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं वो मुकम्मल इस प्रोडक्ट में, इस कैप्सूल्स में शामिल हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और किस पर्पज़ तौर पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हैं। विटामिन्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी में किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। कोई भी विटामिन्स की कमी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपको हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन्स की कमी की वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, आपकी बॉडी का जो तसलसल होता है वो बिगड़ जाता है, आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि विटामिन डी की अगर आपको कमी हो जाए तो उसकी वजह से आपकी हड्डियों में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। विटामिन ई की कमी की वजह से आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा विटामिन ई आपके हार्मोन्स में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी हड्डियों में लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके पठों के लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरह के ये जो विटामिन हैं इनकी अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बात करें इस मेडिसिन की मल्टीविटामिन की, यानी इसमें जो मल्टीविटामिन जो शामिल हैं वो आपकी पठों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जिन लोगों के पठे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं बड़ी उम्र के हिसाब से, जब बंदा बड़ी एज में जाता है तो उनके पठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उनमें तकलीफ रहना शुरू हो जाती है, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा जिन लोगों की हड्डियों में तकलीफ होती है वो लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पठों में तकलीफ किसी को भी हो सकती है, पठों की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकती है, यंग एज में भी हो सकती है किसी को, तो वो भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बड़ी उम्र के लोगों में सबसे ज़्यादा देखने में आता है या औरतों में, उनको पठों की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पठों में खिंचाव हो जाता है, उनकी कमज़ोरी की वजह से वो कोई काम काज नहीं कर पाती, तो ऐसी कंडीशन में वो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा हड्डियों की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, विटामिन D3 इसमें शामिल है। विटामिन डी आपकी हड्डियों में, आपकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए, आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपकी हड्डियाँ खड़खड़ाना शुरू हो जाती हैं, उनमें लचक आना शुरू हो जाती है, उनमें आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और उनमें पेन रहना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्रोडक्ट आप स्किन, हेयर्स और नेल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन का इशू है या स्कर्वी की बीमारी है, इसमें विटामिन सी इसमें शामिल है, विटामिन ई, जिंक इसमें शामिल है, जो आपकी हेयर्स नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों को हेयर लॉस का इशू है वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों के लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा इस प्रोडक्ट में विटामिन ए शामिल है जो कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। जब आपकी कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होगा तो आप बीमारियों के मुकाबले में आपका बॉडी तैयार होगी, आप बीमारियों से लड़ सकेंगे। अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त की कमी है तो आप दिन ब दिन बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, या ऐसे लोग आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं जिन लोगों को, जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर बीमार हो जाते हैं, उन लोगों में कुव्वत मुदाफ़त की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उनका जिस्म बीमारियों के मुताबिक लड़ नहीं पा रहा होता, तो उनको विटामिन ए की कमी की वजह से इस तरह की शिकायत देखनी पड़ती है, तो वो लोग भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बैक कमर के दर्द के लिए भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हड्डियों के दर्द के लिए, पठों के दर्द के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। उसके अलावा आप जॉइंट्स पेन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को आप आंखों की कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की नज़र में फ़र्क पड़ गया या जिन लोगों को वीकनेस हो गई है बहुत ज़्यादा, तो वो लोग भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फालिज वाले मरीज़ भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो जिस्म होता है, अगर जिस बंदे को खुदा न खास्ता फालिज हो जाए तो उसके बाद उसका जिस्म वीक होना शुरू हो जाता है, उसके जिस्म में कपकपाहट शुरू हो जाती है, तो वो भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मेन सेक्सुअल डिसऑर्डर के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके लिए भी इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। हार्मोन्स को बढ़ाता है ये, स्पर्म्स को बढ़ाता है, स्पर्म सेल्स मतलब कि बॉडी से रिलेटेड जितने भी आप, अगर आपको बॉडी में विटामिन की किसी किस्म की कोई भी कमी हो जाए तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को आप पट्ठों के दर्द में, पट्ठों के खिंचाव में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हड्डियों की ताकत के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा वीकनेस के लिए आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी कमज़ोरी है तो आप उस कंडीशन में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी इंतहाई ज़्यादा सेफ़ है। उसके अलावा स्किन, हेयर्स और नेल्स के लिए आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। मल्टीबायोन टाइम, इसमें कम्प्लीट मल्टी विटामिन इसमें शामिल हैं। उसके अलावा कुव्वत मुदाफ़त की कमी को पूरा करने के लिए कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है ये प्रोडक्ट, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन सेक्सुअल डिसऑर्डर के तौर पर मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसी तमाम कंडीशन में आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और इसकी डोजेज की बात करूँ तो ये आप एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद आप जिस टाइम मर्जी इसका इस्तेमाल कर लें। साइड इफ़ेक्ट्स इसके भी हो सकते हैं, जैसा कि आपका सर भारी हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, इस तरह के कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो 100 में से किसी एक बंदे को होते हैं। तमाम तर मेडिसन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, ना कि आपको कोई मेडिसन प्रिस्क्राइब करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने प्रीवियस वीडियो ओमेगा यानी ओमेगा 3 फिश लीवर कैप्सूल पर बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगा या लास्ट पे आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी मेडिसिन से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।